Hello everyone, praise the Lord. Very good morning, and I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमे के पत्री 6 अध्याय उसमें 16 वचन को ध्यान करने वाले हैं। और यह वचन ऐसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी अन्याय मानने के लिए तुम अपने आप को दशाओं के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे अन्य कार्य के जिसका अंत धार्मिकता है। जिसकी अन्याय मानने के लिए हम अपने को सौंपे, उसकी दास हम बन जाते हैं, चाहे वह पाप हो या मृत्यु हो या पवित्रता हो, उसकी दास बन जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि कुछ पाप का अंत मृत्यु होता है, कुछ पाप का अंत मृत्यु नहीं होता, पर सच में धर्म का अंत अनंत जीवन होता है। हम पाप करें तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। पाप में मनुष्य सोच रहे हैं कि छोटा बड़ा होता है, पर सच में पाप कैसा भी हो अंत एक ही होगा, नरक और मृत्यु। जिस काल में भी पाप किया हो, पूर्व काल या आज, कितने भी बड़े आदमी हो, छोटे या अमीर या गरीब, सभी के पाप का अंत मृत्यु ही है। कोई किसी कारण बच नहीं सकता, पर जो यीशु पर विश्वास रख के उनको अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, सिर्फ उनको पाप से मुक्ति मिलेगा और मृत्यु से भी न हो तो सबको अपने पाप का फल मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाह रहे कि सबको अपनी पाप और अपनी क्रिया का फल जरूर मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन पाने के लिए हम यीशु पर विश्वास रखना चाहिए और सच्चे रास्ते पर जाना चाहिए। भगवान की वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। आज इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।